प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि हम शेल मॉडल के आधार पर किस प्रकार से स्टेबल न्यूक्लियनों के स्ट्रक्चर को समझाते हैं, स्टेबल नाभिक के स्ट्रक्चर को समझाते हैं। यानी कि हम ये समझा पाते हैं कि जो न्यूक्लियनों का जो क्लोजर है शेल का, वो मैजिक अंकों पर समाप्त होता है, और कैसे समाप्त होता है ये हम देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि मैजिक नंबर न्यूक्लियाई के लिए हमारे लिए न्यूट्रॉनों की संख्या या प्रोटोनों की संख्या का जो मान है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 होना चाहिए। और जब हमने शेल मॉडल के लिए देखा तो हमने ये देखा था कि हम लेंडर इज इक्वल टू 2n+2-2 के लिए इन शेल्स को भरते हैं और अभ्रष्टा को देते हैं 2j+1 से। तो हमने ये पाया था कि हमारे सबसे पहला जो कोश भरा जाता है वो 1s½ है, जिसमें दो न्यूक्लियन आते हैं। दूसरा शेल जो भरा जाता है वो 1p3/2 है, जिसमें कि मेरे पास आपके पास चार आते हैं, 1p1/2 में दो आते हैं, तो इन दोनों में कुल मिला के 6 हो जाते हैं। तो पहला क्लोजर मेरा 2 पे ख़त्म हुआ, तो दूसरा मेरा 8 पे ख़त्म हुआ। और अगले जो भरा जाता है शेल वो है 1d5/2, उससे अगला 2s½, उससे आगे का भरा जाता है 1d3/2। और इनमें हमने देखा था कि जो न्यूक्लियंस आते हैं वो इसमें आएंगे 6 1d में, 2s में आएंगे 2 और 1d में आएंगे 4। तो 6 और आपके पास 2, 8 और 4, 12 टोटल इसमें हमारे पास भर जाते हैं। तो अगर मैं शेल देखूं तो यहाँ 2 और 6 मिला के 8 पे ख़त्म हुआ क्लोज़र, और इसके बाद जो मेरा क्लोज़र ख़त्म हुआ 12 और मिला दूं इसमें तो यानी 20 पे, तो ये 3 मैजिक नंबर मुझे मिल गए। अब यहाँ पर मैं इसको और स्पष्ट करने के लिए अगला जो मेरे पास है वो 1f7/2 है, और इसी तरह इस क्रम में आगे के भरे जाते हैं। तो इसको एनर्जी डायग्राम से हम और अच्छे से समझते हैं। तो ये एनर्जी डायग्राम मैंने बनाया है, ये लैम्डा की वैल्यू शुरू में हमने दिखाई है, लैम्डा की वैल्यूज बढ़ती हुई, ये स्तर किस प्रकार से भरे जाएंगे, कौन से स्तर भरे जाएंगे और ये किस क्रम में भरे जाएंगे ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला भरा गया है 1s1/2, दूसरा भरा 1p3/2, तीसरा भरा 2p½। तो यहाँ से हमने देखा जो क्लोजर समाप्त हुआ यहाँ पे 2 पे समाप्त हुआ, इन दोनों के मिला के क्लोजर यहाँ पे समाप्त हुआ 2, 4, 6 और 2 मिला के 8 पे समाप्त हुआ। और दूसरा जब भरा गया तो इसमें कुल जो आ गए न्यूक्लियन 12 आ गए, तो 12 और यहाँ पे 8 क्लोज मिला के 20 पे समाप्त हुआ क्लोजर। अब यहाँ से जब n ग्रेटर देन 2 है, तो शेल मॉडल में मैंने देखा था कि n ग्रेटर देन जब 2 होता है तो अगला जो आपके पास स्तर आता है वो बजाय nth लेवल के, उसके खुद के लेवल के करीब होने के, n-1 लेवल के करीब हो जाता है। जैसा कि यहाँ 1f7/2 का मैं देख रही हूँ, ये इसकी जो ऊर्जा है वो सेकंड वाले शेल के ज़्यादा करीब है बजाय इसके अपने खुद के शेल के। तो इसलिए आपके पास जो 1f में इलेक्ट्रॉन कुल न्यूक्लियन आते हैं वो 8 आते हैं, तो जो क्लोजर है मेरा वो, क्योंकि अब यहाँ ये ना तो इसके समीप है ना ये यहाँ पर 3 वाले शेल में काउंट हो रहा है, इसलिए अब ये क्लोजर कहाँ समाप्त हो जाता है, ये इटसेल्फ में एक नया क्लोजर बनाता है, और जो टोटल न्यूक्लियोनिक शेल्स हैं वो 28 पे समाप्त हो जाते हैं क्लोजर मेरा। तो इसका मतलब नाभिक जो मैजिक अंक है वो मुझे 2, 8, 20, 28 के लिए स्टेबल स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल भरा जाता है वो 3 लेवल है, और उस 3 लेवल में चार बाकी के बचे हुए जो 1f7/2 है वो तो अलग से काउंट हो गया है, तो इसलिए बाकी के बचे हुए 2p1f और 2p½ जो लेवल है वो इसमें भर जाते हैं। और चौथे लेवल का जो 1g आपके पास लेवल है वो बजाय चौथे लेवल के करीब होने के वो तीसरे लेवल्स के करीब हो जाता है, इसलिए वो इसी में इस क्लोजर में ही काउंट हो जाता है। तो कुल संख्या मेरे पास आ जाती है 22, तो 28 और 22 मिलके हो जाता है 50 का क्लोजर मुझे मिलता है न्यूक्लियनों का। इसी प्रकार चौथे शेल में जो पांचवें का शेल का जो लेवल है 1h11/2, उसकी ऊर्जा चौथे के करीब हो जाती है बजाय पांचवें शेल के स्तरों के, इसलिए ये जो 1h11/2 है ये चौथे शेल के साथ ही काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ इसका 1g3 के साथ काउंट हो गया है, इसलिए मेरे पास जो न्यूक्लियनों की संख्या बच जाती है वो बच जाती है 8, 6 और 4, इन सबको मिला के हो जाती है 32। तो 32 और 22 मेरे पास यहाँ 32 और 50 का क्लोजर मिलके यहाँ पे बनता है 82। इसी प्रकार जो पांचवें लेवल का 1h तो 4 के साथ काउंट हो गया, लेकिन जो छठे लेवल का 1i13/2 लेवल है वो बजाय छठे के पांचवें के करीब हो जाता है, इसकी काउंटिंग न्यूक्लियनों की इस शेल के साथ होती है, इसी स्तर के साथ होती है। और इस स्तर में जब हम कुल जो ऊर्जा स्तर है उसमें भरे गए न्यूक्लियनों की संख्या को टोटल करते हैं तो ये हो जाते हैं 44, और ये 44 और 82 मिलकर बन जाते हैं
26। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ जो क्लोजर मेरा भरा जा रहा है 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 में समाप्त हो रहा है, और ये सारे ही मेरे पास हैं मैजिक नंबर। तो जो मेरे पास इसका मतलब जो शेल कंप्लीट हो रहा है वो मैजिक नंबर पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए ये मैजिक नंबर न्यूक्लियाई क्या है, सर्वाधिक स्थाई है, जो कि इस न्यूक्लियोनिक स्ट्रक्चर से काउंट होता है। और इसके साथ साथ ये शेल मॉडल मुझे ये भी बता रहा है कि जो शेल मैं भरूंगी वो किस क्रम में भरूंगी। तो क्रम अगर मैं देखूं तो पहले 1s½ भरा जाएगा, फिर 1p³/2 भरा जाएगा, फिर 1p½ भरा जाएगा, उसके बाद 1d भरा जाएगा, 5/2 भरा जाएगा, उसके बाद 2s½ भरा जाएगा, उसके बाद 1d³/2 भरा जाएगा, उसके बाद 1f⁷/2। इस प्रकार से हम आगे चलते जाएं तो एक तरह से ये क्रम भी मुझे बता रहा है कि जो न्यूक्लियॉन है वो किस क्रम में भरे जाएंगे। और जब मुझे न्यूक्लियॉनों के भरे जाने का क्रम पता होता है तो मैं ये बता सकती हूँ कि आपके पास दिए गए नाभिक की स्पिन क्या होगी। क्योंकि अगर मेरे पास एक बात यहाँ मुझे ये ध्यान रखनी है लेकिन, कि अगर आपके पास इवन इवन न्यूक्लियाई है तब आपके पास एंगुलर मोमेंटम टोटल शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? क्योंकि आपके पास इवन इवन के लिए जो पेयर है वो पूर्ण हो जाते हैं, कोई भी न्यूक्लियॉन ऐसा नहीं है जो कि अयुग्मित बचे। और जब मेरे पास कोई भी अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन नहीं होता है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम शून्य होता है। लेकिन जब आपके पास न्यूक्लियॉनों की संख्या में एक न्यूक्लियॉनों की प्रोटोनों की संख्या मान लूं या न्यूट्रॉनों की संख्या मान लूं, अगर दोनों में से कोई एक ऑड है, या तो जेड ऑड है या एन ऑड है, दोनों ऑड नहीं है, एक इवन है दूसरा ऑड है, तो आपके पास एक जो न्यूक्लियॉन है वो अनपेयर्ड रह जाता है। और वो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन इन दिए गए शेल्स में से जो मैंने शेल स्ट्रक्चर शेल मॉडल के आधार पर बनाया है वो जिस शेल में एग्जिस्ट करता है उस शेल के अनुपात में, उस शेल का जो एंगुलर मोमेंटम, जहां ये हमने लिखे हुए हैं ये एंगुलर मोमेंटम है, तो जो एंगुलर मोमेंटम उसका होता है उस आधार पर जो नाभिक का है वो एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है। अब यहाँ जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण कोष से उनका एक जो न्यूक्लियॉन है वो ज्यादा हो जाता है, और अगर ज्यादा हो जाता है तो शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो कैल्शियम 20-41, यानी इसमें जो प्रोटोनों की संख्या है वो 20 है, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो मैं निकालूंगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली है मैंने, 40-20 करके, यानी ए माइनस जेड करके, तो वो मेरे पास आ जाती है 21 के बराबर। जब ये 21 के बराबर आती है तो इसका मतलब मैं देखूं तो इसमें जो इवन नंबर है, इसमें प्रोटोनों की संख्या इवन है, इसलिए तो सारे प्रोटॉन जो हैं वो पेयर्ड हो जाएंगे, इनसे कोई मुझे एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं न्यूट्रॉनों की संख्या देखती हूँ तो ये मेरे पास 21 है, तो जो कि आपके पास इवन नंबर से एक ज्यादा है, यानी 20 से एक ज्यादा है, तो एक जो न्यूट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह जाएगा, उसका युग्म पूर्ण नहीं होगा। तो आपके पास अब मैं ये देखूंगी 21st वाला जो न्यूक्लियॉन है वो कहाँ जाएगा, तो उसके आधार पर मैं बताऊंगी कि आपके पास इस नाभिक का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो अब वापस हम कोश स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो मुझे चाहिए 21, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ 2, 8, 20, यानी यहाँ तक तो 20 का मेरा क्लोजर पूरा हो गया है, यानी कि न्यूक्लियॉन किस किस में आ गए, 1s½ में, 1p³/2 में, 1p½ में, 1d⁵/2 में, 2s½ में, 1d³/2 में, तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर 20 का मेरा पूर्ण हो गया है। तो जो 21वां इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 1f⁷/2 में, तो यानी इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम का मान है वो है 7/2। तो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन का जो मेरे पास शेल है वो 1f⁷/2 में जाएगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम का मान हो जाएगा, इसलिए कोणीय संवेग का मान जो मेरे पास आएगा वो आएगा J=7/2 यूनिट के बराबर। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं, निकल 29 और 57, तो प्रोटोनों की संख्या इसमें क्या है, 29 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूं तो 57-21 यानी 28, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अब यहाँ पर इवन है तो इसका शेल पूर्ण है, तो यहाँ से मुझे एंगुलर मोमेंटम का मान मिलेगा शून्य। लेकिन अगर मैं Z=29 देख रही हूँ तो यानी प्रोटोनों की संख्या इसके लिए ऑड है, तो अब ये मैं देखती हूँ कि 29th वाला जो 29 के लिए मैं इसको कैसे भरती हूँ शेल मॉडल से। तो शेल मॉडल से जब मैं भरती हूँ तो वापस से 1s½, 1p³/2, 1p½, 1d⁵/2, 2s½, 2d³/2 और 1f⁷/2, यानी 28 यहाँ तक जो क्लोजर है वो पूरा
भर दूंगी मैं, तो जो मेरे पास 29th वाला जो न्यूक्लियॉन आएगा, जो प्रोटॉन आएगा, वो 2p3/2 में भरा जाएगा। और जब ये 2p3/2 में भरा जाएगा तो इसका मतलब आपके पास इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 3/2। तो जे का मान क्या हो जाएगा इस नाभिक के लिए, 3/2 यूनिट के बराबर। अब हम कुछ और एक बात यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। और कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं देखूँ तो जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पे फास्फोरस 15-31, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास प्रोटोनों की संख्या है 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे मिलता है 31-15 यानी कि 16 के बराबर। तो यहाँ पर ये जो 16 है ये तो इवन नंबर है, और इवन नंबर है इसका मतलब जो न्यूट्रॉन है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है न्यूट्रॉन जो अनपेयर्ड हो, तो यहाँ से आपके पास एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा। लेकिन जब मैं प्रोटोनों की संख्या देखती हूँ तो इसमें एक अनपेयर्ड रह जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर से एक ज़्यादा है। अब 15 को मैं कैसे भरती हूँ, तो 15 को भरने के लिए अगर हम देखें तो हम क्या भरेंगे, सबसे पहले भरेंगे हम 1s½ भरेंगे, उसमें कितने न्यूक्लियॉन भरेंगे 2, यानी कितने प्रोटॉन भरेंगे 2। उसके बाद हम भरेंगे 1π3/2, इसमें कितने प्रोटॉन हम भरेंगे 4। उसके बाद हम भरेंगे 1p½, तो इसमें कितने भरूंगी मैं वापस से 2। तो यहाँ पे 4 और 2 6 और 2 8 अभी तक मेरे पूरे हुए हैं। अब मैं भरती हूँ 1d का, अगला भरूंगी 1d5/2 यानी इसमें आएंगे 6। तो 4 और 2 6 2 8 और 6 14 मेरे भर चुके हैं, तो अगला जो मेरे पास आएगा वो आएगा 2s½ में। तो यहाँ पर इसके इसमें मैं कितने भरूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं 14 भर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रोटॉन भरा जाएगा और ये कैसा रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा। और ये चूंकि अनपेयर रह जाएगा इसलिए जो इस नाभिक की जो स्पिन होगी वो किसके दी जाएगी, हाफ से दी जाएगी, यानी स्पिन इसकी कितनी है, J=½ के बराबर है। अब अगला एग्जाम्पल इसी तरह अब हम और कंसिडर करें, जैसे क्लोरीन है, एक में हमने मान लिया इसका परमाणु क्रमांक तो 17 ही है लेकिन एक का द्रव्यमान संख्या 35 है, दूसरे की 37 है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो दोनों में जेड का मान = कितना है 17, और इसमें अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालती हूं तो 35 माइनस जो 17 मैं करती हूं तो आपके पास मिल जाएगी 18 के बराबर। और अगर मैं 37 लेती हूं तो एन की संख्या मुझे मिल जाएगी 37-17 यानी 20 के बराबर। तो दोनों स्थितियों में जो न्यूट्रॉन संख्या है वो इवन है, इवन है तो इसका मतलब यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो अयुग्मित हो, इसलिए इस न्यूट्रॉन संख्या से तो मुझे एंगुलर मोमेंटम मिलेगा 0। लेकिन जेड है 17, प्रोटोनों की संख्या कितनी है 17 है, और 17 है तो इसका मतलब आपके पास एक जो न्यूक्लियॉन है वो अनपेयर्ड रह जाएगा। तो अब 17 कैसे भरूंगी मैं, तो 17 भरने के लिए अगर हम देखें तो हम क्या भरेंगे कि 1s½, 1p3/2, 1p½ भरूंगी, फिर 1d5/2 भरूंगी, और उसके बाद मैं भरूंगी 2s½, और उसके बाद जो मेरा भरा जाएगा वो है 1d3/2। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये मैंने भर दिए 2, इसमें भर दिए 4, इसमें भर दिए 2, अब d में भर दिए मैंने 6, इसमें भर दिए 2। तो यहां अगर मैं देखूं तो 2, 4, 6 और 2, 8 और 6, 14 और 2, 16, तो इसमें जाएगा मेरा एक न्यू प्रोटॉन। तो ये कैसा रह गया, अनपेयर्ड रह गया। अब ये अनपेयर्ड रह गया तो इसके संगत जो एंगुलर मोमेंटम है वो 3/2 है, इसलिए क्लोरीन चाहे मेरे पास 37 हो चाहे 35 हो, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 3/2 के बराबर आएगा। अब इसी तरह आप टाइटेनियम के लिए देख सकते हैं, 22 और 49 है, तो यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या 22 हो जाएगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या मैं निकाल सकती हूँ 14-22 करके, तो वो आ जाएगी 27 के बराबर। और 27 अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 27 यहाँ जाएंगे, 27 भरने हैं, तो 20 मेरा ये 2, 8 और 20 वाला क्लोजर मेरा समाप्त हो गया। तो जो 7 न्यूट्रॉन हैं वो जाएंगे 1f7/7, जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, 1f7/2 में जाएंगे। तो 7 अगर जा रहे हैं तो मैं इसमें से देखूंगी कि 2, 2 के 3 पेयर बन के तो 6 न्यूट्रॉनों के तो पेयर बन जाएंगे, लेकिन एक जो न्यूट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा वो होगा 7/2 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये 1f7/2 में स्थित है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कॉपर के लिए, तो जेड है 29, न्यूटन हो जाएगा 34, तो अनपेयर्ड कहाँ रह जाएगा, 29 में,
और ये 29 अगर मैं अपने शेल क्लोजर से देखूं तो ये कहाँ जाएगा आपके पास 29th वाला, ये जाएगा 2p 3/2 में, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 3/2 के बराबर। तो इस प्रकार से आप शेल मॉडल को यूज करते हुए जो नाभिक हैं उनके लिए स्पिन का मान बता सकते हैं कि उनके स्पिन का मान कितना होगा। ध्यान रखें इवन इवन के लिए कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहता है, सब पेयर्ड हो जाते हैं। इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए एंगुलर मोमेंटम शून्य होगा, लेकिन इवन ऑड के लिए शून्य नहीं होगा। अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन जिसमें जाएगा वो आपके पास उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी सफलताएं थी और क्या इसकी असफलताएं थी। तो सफलताएं मेरे पास क्या थी शेल मॉडल के लिए कि आपके पास इसमें हमने क्या किया, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को स्वतंत्र रूप से अलग अलग, ये दोनों के लिए स्वतंत्र रूप से वैलिड पाया गया है। अब ये निम्न को समझ किस किस को समझा पाता है, बीटा डीके को समझा पाता है, ऊर्जा स्तरों का वितरण हम देख ही चुके हैं उसको समझा पाता है, चुंबकीय आघूर्णों को समझा पाता है, और या हम कहेंगे कि कोणीय संवेगों को भी, ये चुंबकीय आघूर्ण रिपीट हो गया इसलिए हम ये कह देते हैं कोणीय संवेगों को भी ये समझा पा रहा है। हमने देखा है अभी अभी कि इवन इवन के लिए और इवन ऑड के लिए हमने इसको देखा है, तो कोणीय संवेगों को भी समझा पा रहा है और सम अवयवी नाभिकों को भी ये समझा पाता है, जिसमें कि हम जानते हैं कि ए और जेड यानी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक इनके लिए समान होते हैं, ऊर्जा स्तर भिन्न होते हैं। अब फेलियर क्या थे इस शेल मॉडल के कि ये वे नाभिक जिनके लिए एन और जेड दोनों सम हैं और उत्तेजित अवस्था के लिए हम गणना करना चाहते हैं ऊर्जा स्तरों की, तो उनके लिए हमें सही मान प्राप्त इससे नहीं होते हैं। और वे नाभिक जिनके लिए कि जो द्रव्यमान संख्या है 150 से 180 के बीच है, उनके लिए भी हमें निम्न ऊर्जा स्तरों के मान सही प्राप्त, लोअर एनर्जी लेवल्स के मान सही हमें नहीं मिले। इसके अलावा ये सब ऐसा नहीं है कि हम सभी को नहीं समझा पाए, लेकिन कुछ के चतुर्ध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्णों के मान भी हमें इससे सही प्राप्त नहीं हुए। इसके द्वारा हम नाभ के संलय और नाभ के फिशन का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। तो ये सब थे मेरे पास कि इसके फेलियर क्या हैं और इसकी सफलताएं क्या हैं। इसी के साथ ही हमारा ये शेल मॉडल यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।